हेलो दोस्तों, आज मेरे पास है कांच की एक बोतल, एक गिलास के अंदर कुछ पानी और एक एक टिश्यू पेपर। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं, इस बोतल को पानी से भरेंगे और फिर इसे उल्टा करेंगे, बट फिर भी पानी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों बोतल में सबसे पहले पानी डाल लेते हैं। देखिए सिंपल पानी है और कुछ भी नहीं है। इस बोतल को अपने फुल भरना है, बिल्कुल भी इसके अंदर एयर ना रहे। दोस्तों ये देखिए इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फुल हो चुकी है। अभी टिश्यू पेपर का थोड़ा सा टुकड़ा हम लेंगे, ये टिश्यू पेपर है, इसका थोड़ा सा ही टुकड़ा हमें लेना है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, इतना सा काफ़ी है। अभी इस टिश्यू पेपर को इस बोतल के ऊपर मैं कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी टिश्यू पेपर को इसके ऊपर हमने लगा दिया है। अभी एक्स्ट्रा भाग जो है वो हम अगर निकल सके तो अच्छा है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते हैं कि निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये टिश्यू पेपर अपने हट गया। अब आप देख सकते हो बोतल फुल पानी से भरी हुई है और बोतल के ऊपर टिश्यू पेपर लगा हुआ। तो अभी दोस्तों जैसे ही बोतल को हम इस प्रकार से उल्टा करेंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा, एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा, जबकि बोतल ये भरी हुई है। अब आप अगर ये समझो कि यार इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया या फिर जो आपने टिश्यू पेपर चिपका है इसके ऊपर कुछ गम वगैरह लगा हो, फेविक्विक या एक्स्ट्रा फेविकॉल या जो कुछ भी हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा, ठीक है। तो ये देख लो, पहले दिखा दूं कि बोतल पानी से भरी हुई है, देखिए, ठीक है। तो अभी दोस्तों ये आपका वहम दूर करता हूं, फिर से पानी से इस बोतल को भर ले रहा हूं। भर लिया। अभी दोस्तों मेरे पास एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा, देखिए प्लास्टिक है, इसके कुछ भी चिपकाया हुआ नहीं है, छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसे इसके ऊपर कुछ इस प्रकार में रख दूंगा। देखिए रख दिया, कुछ भी चिपकाया हुआ नहीं है। अभी फिर से इस बोतल को मैं उल्टा करूंगा, बट थोड़ा सा इस पर एक बार हाथ रखूंगा, उल्टा करके फिर मैं हाथ को हटा लूंगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, अभी भी इसमें से पानी नहीं निकल रहा, देख रहे हो आप, ये बोतल फुल पानी से भरी हुई है। पहले टिश्यू पेपर था, कोई सोच सकता है कि टिश्यू पेपर चिपका दिया हो, अभी इसके अंदर प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ है। अब जैसे हल्का से इसे हटाऊंगा आप देख सकते हो बिल्कुल हल्का, तो ये देखिए पानी निकल रहा है। तो दोस्तों आपको बताते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है, दरअसल क्या है, जिससे ही हम इस बोतल को पानी से फुल भर लेते हैं बिल्कुल ऊपर तक, तब इसके ऊपर से कोई भी चीज लगा दी जाए, फिर से उल्टा करेंगे तो पानी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी फुल भरने के बाद इसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं रहती। दरअसल बोतल को जब हम उल्टा करते हैं, उल्टा करने पर पानी बाहर नहीं निकलने का रीजन ये है कि इसके अंदर एयर नहीं जा पाती, चाहे वो प्लास्टिक का टुकड़ा हो या टिश्यू पेपर हो, कुछ भी हो, जैसे वो इसके ऊपर लगता है, चाहे कोई भी चीज़ आप लगा लो, कागज है, कुछ भी, तो जैसे इस बोतल को उल्टा करेंगे तो इसके अंदर पानी को नीचे जाने के लिए इसके ऊपर वाली जगह के अंदर एयर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बोतल के ऊपर एयर जाएगी तभी पानी नीचे आ पाएगा, अगर इसके अंदर एयर नहीं जाएगी तो पानी नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही कारण है कि जैसे हम प्लास्टिक इसके नीचे लगाते हैं या टिश्यू पेपर लगाते हैं तो नीचे से एयर बोतल के अंदर नहीं जा पाती। दोस्तों एयर नहीं जा पाती तो पानी बाहर नहीं आ सकता। अगर दोस्तों इसके अंदर हल्का सा भी एयर, यानी इस पानी के अंदर हल्की सी बित्ती सी की भी एयर रह जाए पीछे, फिर अपने यहाँ से कुछ भी लगा लो, बोतल को जैसे उल्टा करेंगे तो अपने आप पानी बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो एक बार आपको फिर से मैं दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास पानी थोड़ा ही है, कोई बात नहीं, अभी जैसे थोड़ा पानी है, तो अगर अब मैं इसके ऊपर ये कागज लगाऊंगा, देखिए आधा है पानी इसके अंदर, आधी बोतल है, इस कागज को मैंने लगाया, अभी आप देख सकते हो अभी पानी नहीं गिर रहा, बिल्कुल नहीं गिर रहा, लेकिन मैं मुझे ये बोतल हाथ नहीं हटाने देगी, हाथ हटाऊंगा तो देखिए कागज हट रहा है साथ साथ, ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ, देखिए अभी पानी नहीं गिर रहा, लेकिन हाथ हटाने जैसे मैं हाथ हटाता हूँ ये देखिए कागज पूरा पूरा हट जा रहा है। रीजन ये है कि इसके अंदर पीछे हवा है दोस्तों, और हवा जैसे ये बोतल को उल्टा करते हैं
तो पानी नीचे की तरफ दाब बनाता है, पीछे की जो हवा होती है वो थोड़ा सा गैप ले लेती है, हवा अपना प्रेशर बना लेती है, प्रेशर की वजह से पानी नीचे की ओर आ जाता है, फिर ये कागज उसे नहीं रोक पाता। और जब बोतल फुल भरी होती है उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं होती, इसकी वजह से इसके अंदर और हवा जा नहीं पाती, एयर इसके अंदर जा नहीं पाती और पानी नीचे आ नहीं सकता दोस्तों। बस यही रीजन है इसके पीछे, और कोई बड़ा मैजिक नहीं है, सिंपल सी साइंस है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।